पंडित प्रदीप मिश्रा ने अमलेश्वर के शिव कथा में सनातनियों को चार संतान पैदा करने की बात कही, जिस पर सियासत गर्मा गई है। दुर्ग के अमलेश्वर में 27 मई से कुबेरेश्वर धाम सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव कथा का वाचन शुरू कर दिया था, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातनियों को चार बच्चे पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने एक विशेष वर्ग की बढ़ती जनसंख्या को लेकर कहा कि अब भारत में भी हर सनातनियों को दो अपने और दो सनातन राष्ट्र के लिए पैदा करने चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर बहुतों की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने निंदा की है। साथ ही उन्होंने बेटियों को लव मैरिज के चक्कर में न पड़ने की सलाह भी दी। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य चार पीठ के हमारे पूरे सनातन धर्म की एक ऊर्जा है, प्रेरणा है, और वो शंकर का एक अवतार है। उनके जो शब्द है वो शिव के शब्द हैं। वो उनकी भाषा में जो भी कहे हैं उसको हमने स्वीकार किया है, और वो आगे जो प्रेरणा देंगे उसको भी स्वीकार करेंगे। उनके शब्दों के लिए कुछ बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो शंकर का एक रूप बहुत जरूरी है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि चार बच्चे पैदा करो, दो बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए, और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा, तो राष्ट्र सेवा के लिए दो बच्चे होना बहुत जरूरी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।